हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि मैं रेडी हो रही हूँ अपने मायके जाने के लिए, बट थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होने की वजह से मेरा चेहरे पे वो स्माइल नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत खुश हैं हम लोग। रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। लाइट वगैरह सब जगह की ऑफ कर दी है, गैस चेक कर ली है, और ये लॉबी की एक लाइट जो है वो खुली रहेगी। बस निकल रहे हैं। नोएडा से मेरा भाई भी आ गया था, वो भी हम लोग के साथ चल रहा है। छुट्टियां इसकी भी पड़ रही हैं, सैटरडे संडे है और रक्षाबंधन की, तो काफी छुट्टियां मिल गई हैं। तो बस इसे भी बोल रही हूँ मैं, बैग ले लो अपना। क्या हुआ, क्यों लड़ाई करते हो तुम दोनों? चलो चल। मारूंगा। घर सारा लॉक करके अब हम आ गए हैं नीचे। यशी आयना बाहर वेट कर रही हैं और सूटकेस लेकर के मैं आ रही हूँ। हस्बैंड गए हैं रिक्शा बुलाने के लिए, बिकॉज कार से हम लोग नहीं जा रहे हैं, वरना कार फिर हमें स्टेशन में ही खड़ी करके रखनी पड़ेगी जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते। तो हमें रिक्शा जो है वो बेस्ट लगता है। और हमारे घर से ना स्टेशन ज़्यादा दूर भी नहीं है, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं मथुरा जंक्शन पहुँचने में। तो बस देखिए हम लोग आ गए हैं, और ऑटो से आ गए थे तो आराम रहा। फिर लिफ्ट से हम लोग मतलब प्लेटफॉर्म 4 पे हमारी जो ट्रेन है जयपुर प्रयाग, तो वो वाली से हम लोग जा रहे हैं। बस आ गए हैं यहीं पे, अब हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और घर से हम लोग निकल गए थे 7 बजे और 8 बजे की ट्रेन थी, तो बड़े आराम से पहुँच गए थे। थोड़ा सा वेट किया फिर आ गई थी ट्रेन, तो हम लोग बहुत आराम से बैठ भी गए हैं। अभी तो चल रही है ट्रेन मम्मा, अभी तो ट्रेन चल रही है। और मम्मा जब मैं ऐसे कर दूंगी ना तो बहुत ठंडी लग रही है मुझे। इस चद्दर लो, चद्दर हेलो नागी आई रे यशी। और आयना यशी ने खूब मस्ती करी। हमने 3 सीट करी थी, एक में भाई और आयना एडजस्ट हो गए थे, एक में मैं यशी और एक सीट में ये थे। तो हो गया आराम से, अब हो गई है सुबह, अब हम लोग उतरने की तैयारी में हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। बस उतर गए हैं देखिए, और हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज। ये है प्रयागराज का स्टेशन प्लेटफॉर्म, और अब बस चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ से भी हम लोग पहले सोच रहे थे कि ओला कर लेंगे, कैब कर लेंगे मतलब, लेकिन फिर हम लोग बाहर इतने सारे रिक्शे ऑटो मिले, हम लोग आराम से बैठ के उसी से ही चले गए, बिकॉज थोड़ा वेट करना पड़ता ओला वगैरह के लिए, कम से कम 10-15 मिनट। तो हम लोग ने वेट नहीं किया, और ये देखिए प्रयागराज जंक्शन हम लोग आ चुके हैं। स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत डेकोरेटेड भी था, वैसे तो हमेशा ही रहता है, लाइटिंग वगैरह रहती है, और बाद में फिर और ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए ये है चौराहा, ये है चौराहा कालिंदीपुरम का, हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे आ गए। और मॉर्निंग का टाइम था ना 5 बजे का, 5 बजे आ गई थी ट्रेन, तो बहुत सड़कें खाली मिली। और ये है मेरा घर, ये मेरा मायके वाला घर है, तो पहले हम लोग यहीं पे आए हैं क्योंकि रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। सुबह 7 बजे तक का मुहूर्त था, 5 बजे हम लोग आ गए थे, 2 घंटा लेट। ये मम्मी है मेरी, और साथ में मेरी छोटी सिस्टर है सबसे छोटी वाली। बस हम लोग जा रहे हैं अंदर, और ये देखिए ये रेडी हो रही है रक्षाबंधन के लिए, सब लोग रेडी हो रहे हैं सुबह सुबह आते ही। और आयना यशी देखिए कितना खुश है, और सेम ड्रेस मैचिंग की मैंने इन लोग के लिए मंगाई थी। और ये मेरे से छोटी वाली सिस्टर है, हम लोग 4 सिस्टर हैं, और जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो यहाँ पे है नहीं, वो घूमने गई है हरिद्वार ऋषिकेश, तो रक्षाबंधन में वो नहीं थी, बाकी सब लोग थे। यहाँ पर लाइट कम है, देखो बाहर आ गया, हाँ जलाओ। और ये मेरे मामा का लड़का है, यहीं पे ये लोग भी रहते हैं, जस्ट बगल में हमारे घर बना हुआ है मामा लोग का भी, तो ये उनका लड़का है। और बस सब लोग हो रहे हैं रेडी, टाइम अभी हो रहे हैं 6, तो सब लोग रेडी हो गए हैं नहा धो करके एकदम, बस राखी बांधने की तैयारी करनी है। तो मैं थाली यहाँ पे सजा ले रही हूँ, सारी राखी जो है वो निकाल ले रही हूँ, मैं लेके आई थी मथुरा से भी, और ये लोगों ने भी जो ली हैं, तो मतलब सारी मैं एक साथ सेट कर दे रही हूँ। और ये आयना यशी देखिए अपने टॉयज आके तुरंत फैला के रख दी हैं, ये टॉयज इनके यहीं पर रहते हैं, मैं मतलब मथुरा में तो रहती हैं टॉयज, लेकिन मैं यहाँ पर इलाहाबाद में भी, और मेरा जो ससुराल है मतलब सब जगह मैं इनके टॉयज थोड़े थोड़े रखती हूँ, कि मुझे हर बार आके टॉयज नहीं लेके आना पड़ेगा। मैं वॉइस वर्क नहीं करूंगी, जो वॉइस थी वही रहने दूंगी। अब रुमाल तो रख लो, रुमाल लाए थे,
बाद में अच्छे से रखो पूजा अच्छा बाद में चलो मुझे पता नहीं क्यों गाने याद आ रहे आरती को सोमी फिर कपड़े दिला दूंगा ना पैसा देने से अच्छा ना शाम को चलेंगे कार से ना 7:15 तक है कार चलेंगे आज शाम को तभी सबको गिफ्ट मिल जाएंगे जिस पर शीलू को दे देंगे अगर शीलू पता नहीं भाग जाएगा ये कौन है ये कौन सा काला पानी मम्मी बोले दे दो जरा अब फोटो खींच शालू जी भगवान मान देगा लेंगे वीडियो जिस पर बना देंगे बउआ की तरह मुंह करो चावल खिला देती सीधे 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 इधर मतलब बउआ की तरह मुंह करो नीली दीवार बहुत सुंदर लगती है स्टिकर कभी जिंदगी में छिप दीवार डालना पड़ेगी या फिर दोनों जगह लगी रहेगी दोनों लोग इधर देखो नाटक अब फिर से नाटक करो अब फिर से छोटी अभी अभी डालूंगी जो हाँ ये नहीं अब वीडियो बनाने में ही ध्यान दो सारा यहाँ मूवी नहीं बन रही तुम्हारी और क्या एडिट तो करेंगे ये सब भी डाल दूंगी हेलो चाय पी लो क्या बना रही हो अंजलि रोटी और सब्जी दाल क्या बना है भिंडी की सब्जी दाल चावल अच्छा इसने बनाया है और ये रोटी बनाई है मैं सेकूंगी अच्छा तो सेको खड़ी क्यों ये पहले तो बहन है अच्छा अब हम लोग बनाते हैं रोटी धीरे धीरे ये लोग ये दोनों खाना बनाएंगी और मैं ब्लॉग बनाऊंगी रक्षाबंधन के अवसर पे कल मैंने मेहंदी लगाई रक्षाबंधन के अवसर पे इसने मेहंदी लगाई थी तुमने लगाई नहीं भूल गई मैंने भी नहीं लगाई मैं भी भूल गई अरे तुम भी यहाँ बैठी हुई थोड़ा उधर जाओ आदर्श खाना खा लो जल्दी खाओ खाना देखिए सबका लग चुका है आयना और मेरा यहाँ पे रखा हुआ है बाकी सब लोग अपना अलग अलग बैठ के खा रहे हैं तो चलिए हम खाना अपना खा लेते हैं और आप लोग भी खा लीजिए और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं अभी जा रही हूँ ऊपर मॉर्निंग में तो जल्दी जल्दी इतना काम था ना रक्षाबंधन का लग रहा था मोहरत से पहले हम लोग राखी वगैरह बांध लें तो कपड़े मेरे अभी सुबह नहा करके वहीं पे छोड़ दिए थे बाल्टी में तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और कपड़े डाल दे रही हूँ वैसे तो मैं यहाँ पे चढ़ती नहीं क्योंकि काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर से बोल देती हूँ वो ही फैला देती है लेकिन मुझे घूमना भी था छत में क्योंकि मैं आज आई हूँ ना तो मुझे लगता है मैं एक एक घर का कोना देखूँ तो बस इसी चक्कर में मैं आ गई हूँ ऊपर और कपड़े डाल दे रही हूँ तो वो अभी क्या है एकदम सुबह सुबह का टाइम है धूप तो वैसे भी ज़्यादा है नहीं और निकलेगी भी नहीं क्योंकि बादल बहुत है तो मैंने फैला दिए हैं हवा से कुछ सूखेंगे और आप देख लीजिए हमारे छत से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे अच्छे मतलब इधर से व्यू है घर के जो काम थे वो तो सारे मॉर्निंग में हो ही गए थे तो अब सब लोग कर रहे हैं रेस्ट आयना कर रही है स्टडी अरे यार करो करो लगा मिट्टी झाड़ू लगा ये भी पहली बार काम कर रही हो क्या खाना तो पहली बार बनाई थी ये भी झाड़ू पहली बार लगा रही हूँ बिट्टी झाड़ू लगा रही तुम कैमरे में क्या देखती जा रही हो बार बार और मम्मी कैसा लग रहा है हम लोग को आता हुआ देख करके आता हुआ देख बड़े खुश हो हाँ संतुष्ट हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे और कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी देर में बताएंगे आपको
बताते हैं ब्रेक के बाद। और कोई भी रेडी नहीं हुआ है, सब जो जैसे पहने थे वैसे ही निकल के चल दिए हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, मेरा नाम तो आपको पता है रूबी, मेरे बगल में जो बैठी हुई है उसका नाम अंजलि है, और उस साइड पे जो बैठी है उसका नाम है रागिनी, और शीलू भी हम लोग बोलते घर पे तो, और आगे बैठे हुए हस्बैंड और आयना भी साथ में है। तो बस हम लोग जा के आ रहे हैं, वो मैं बता दूँ, ये हम आए हैं अपने घर, अपने घर मतलब मेरा पर्सनल घर हमारा यहाँ पे बना हुआ है इलाहाबाद में, और ये रेंट पे उठा हुआ है। तो हम आए थे देखने के लिए कि क्योंकि हम ना अभी इन लोग से मिले नहीं थे एक भी बार, जो लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो ऐसी बातचीत करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ से आ करके फिर अब ये है रात का टाइम, तो मामा आए हुए हैं मम्मी से राखी बंधवाने के लिए, तो मम्मी आप उन्हें राखी बांध रही हैं, और व्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। कैसा लगा कमेंट करिएगा।